वो गंधर्वणी सचमुच से देखने में बड़ी सुंदरी थी और जो गंधर्व उसको प्रति बहुत ही आसक्त था क्योंकि देखने में सचमुच से बड़ी सुंदरी थी। उनको सामने जब ये नृत्य विद्या दिखा रहे थे वो बारंबार है ना वो गंधर्वणी को अपनी जो पत्नी थी उसको तरफ में देखते जा रहा था लेकिन भूलते जा रहा था सारे देवता लोग बैठे हुए उनको सामने हम नृत्य विद्या भूलते जाकर उस तरफ देख रहा था। इंद्र को बड़ा क्रोध है, बोले दुष्ट यहाँ पर सारे देवता लोग बैठे हुए इसलिए बुलाया गया यहाँ पर नृत्य दिखाने के लिए तू बार बार अपने बीवी की तरफ में देख रहे हो, जाओ तुम दोनों को अभिशाप देता हूँ, तुम दोनों पिशाच जन्म में, पिशाच मतलब प्रेत जन्म में चले जाओ, अभी दोनों प्रेत बन करके मरते जगत में आ गए। और इनका जीवन ऐसे इतना कठिन जीवन है, अगर कहीं पानी पीने के लिए जाए ना पानी अपने आप सूख जाएगी, कोई भोजन खाने के लिए जाए भोजन अपने आप गायब हो जाएगी, जिस पेड़ के ऊपर बैठ जाए पेड़ टूट जाएगी अपने आप, मतलब इनका जीवन बड़े दुखमय जीवन है, हैं? बड़े दुखमय जीवन है इनका जीवन, बड़े दिन तक इतने दुख कष्ट भोग किए, इतने दुख कष्ट भोग किए जीवन में। एक दिन दोनों विचार कर रहे हैं कहते क्या इससे हमारी उद्धार नहीं होगा हमारी, हम क्या ऐसे ही जिंदगी भर प्रेत जन्म में दुख कष्ट भोग करेंगे, ऐसे कोई उपाय क्या है जो कि ये सारे हमारे पाप खत्म हो जाए, इंद्र का अभिशाप से दूर हो जाए। तो हठात एक दिन उन्होंने कहीं सत्संग सुने, कई कथा हो रही थी, एक संत कह रहे थे एक एकादशी का नाम पाप मोचनी, जो एकादशी करने पर जीवन का सारे पाप नष्ट हो जाता है। बोले ठीक है हम दोनों एकादशी व्रत करेंगे, लेकिन पहले एकादशी पूरा निर्जला, एक दिन पहले एक बार खाते थे उसी दिन पूरा निर्जला, दूसरा दिन फिर उसको बाद में व्रत खोलते थे, लेकिन ये रात में ये किसी के ऊपर सवार हो जाते थे और उसका खून चूसते थे, देखा ना किसी के ऊपर भूत लग जाए ना धीरे धीरे दुबला पतला होता जाता है धीरे धीरे, क्यों वो प्रेत उसका खून चूसता है, हैं? इतने में बोलते जब रात को अगर खून किसको नहीं चूसेंगे ना जिंदा नहीं रह सकते, छटपट छटपट करते हैं। बोले देखो जीवन में जितने कष्ट क्यों नहीं हो एक एकादशी पाप मोचनी एकादशी करते हैं, बड़ी कष्ट से उन्होंने ये एकादशी व्रत पालन की, रात को छटपट करते रहे क्योंकि अगर खून नहीं पिएंगे तो उनको जीवन खत्म है, लेकिन बड़ी कष्ट से उन्होंने ये एक व्रत को पालन की, जब व्रत पालन की दूसरे दिन जब व्रत खोले ना सारे पाप से खत्म, और फिर दोनों गंधर्व गंधर्वणी होकर के स्वर्ग लोक में फिर चले गए। जब गए इंद्र ने देखा बोले इधर आओ इधर आओ, बोले तुम मैंने तुम दोनों को अभिशाप दिया था, मेरे अभिशाप से दोनों प्रेत जन्म पिशाच जन्म में गए, ऐसे कौन सा कर्म किया, किसने तुमको ये मुक्ति दिलाई, इधर आओ बुलाए बताओ तुम लोग ऐसे कौन सा कर्म किया जो कि मेरे अभिशाप भी व्यर्थ हो गया। बोले हमने ये भगवान कृष्ण नारायण राम की एकादशी पाप मोचनी एकादशी किया जिसमें सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए हम सारे पाप से मुक्त हो गए और स्वर्गलोक में फिरे आ गए। इसका मतलब अगर ये एकादशी करने से जीवन का सारे पाप तुम्हारी नष्ट हो जाएगी, जब तक पाप रहेगा तब तक दुख भोग करेंगे, लेकिन पाप जब खत्म हो जाता है दुख खत्म, दुख हमारी खत्म, ठीक है ना। इसलिए एकादशी व्रत रखना, एकादशी का दिन अन्न में जो खाते हैं उसमें गो हत्या नर हत्या ब्रह्म हत्या भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या जानते कि नहीं, पेट में बच्चे होने पर जो पहले जन्म लेने से पहले उसको जो मार डालते, ये जितने सारे पाप है एकादशी का दिन अन्न में सब आश्रय करके रहते हैं, कहते सारे पाप से मुक्ति मिलेगी, लेकिन एकादशी का दिन जो अन्न भोजन करता है जो कोई मुक्ति नहीं, जैसे सोम कोई मंगल कोई बुध बृहस्पति व्रत रखते हो, अगर वो व्रत नहीं करोगे ना तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी, लेकिन अगर एकादशी व्रत नहीं करोगे तो तुम्हारी हानि है, एकादशी व्रत अगर नहीं करोगे तुम्हारी पाप लगेगा, इसलिए एकादशी का दिन क्या करो अन्न भोजन नहीं करनी चाहिए। जैसे जैसे एकादशी व्रत में जिस खाते है ना, जब नवरात्र के व्रत रखते हो जो फल फूल आलू का जैसे पकौड़ा जैसे आलू सब्जी जो खाने के लिए तो बहुत सारी चीज है, इसलिए कोशिश करना 12 बजे तक दिन के 12 बजे तक कुछ नहीं खाने के लिए है, उसको बाद में फिर धीरे धीरे उसको बाद में भी आप लोग जैसे व्रत खोल सकते हो, अगर दिन में अगर एक बार भोजन कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, अगर दिन में एक बार है अगर भोजन कर सकते हो, अभी अभी देखना सब डॉक्टर लोग कहते हैं जो व्रत हम लोग भारत में जो व्रत रखते हैं ना एकादशी व्रत, इसका इतना लाभ कहते हैं, बोले कैंसर तक भी व्रत में सारी बीमारी कैंसर तक भी नष्ट हो जाता है, हैं? कहते हैं शरीर को तो बीच बीच में विश्राम देनी चाहिए ना, ना बकरी जैसे अगर दिन भर मुंह चलाओगे फिर तो बीमारी पड़ जाओगे, बीमारी का सारी जड़ क्या है दिन भर खाते रहते हैं, इसलिए बीच बीच में व्रत रखोगे तो तुम्हारी तबीयत भी सही रहेगी हेल्थ भी सही रहेगी, ठीक है, पर भगवान की भक्ति मिलेगा और भक्ति को द्वारा भगवान को पा सकते हैं, ठीक है। बोले से एकादशी व्रत की, जोर से बोलो बोले एकादशी व्रत की, निताई गौर ब्रह्मानंदे, हरि हरि बोल, ठीक है माता जी, ठीक है।
ठाकुर आरती करोगे? हाँ आरती कर लो, सब 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 खड़े हो जाओ, ठाकुर आरती कर लो। तुम किसी अनाउंस मिनट करो, ए तुम मुझे कही हो कहा मिनट अनाउंस मिनट करो कर देखो। हाँ कौ घर करता तुम जो कहते करते पूर्णिमा एकादशी तो हूँ तापर प्रति घर करते किए कर जो 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 मैंने एकादशी कहते कीर्तन करे मैंने से मान को करदे बेसी आज एकादशी करो। हाँ प्रति पूर्णिमा एकादशी तो कर पंद्रह दिन थर से समय हरिनाम बस कर मसक थर बस के सोलमा कर तंगर ते मैंने बलराम प्रभु शंकर से प्रथम विचार कर विचार कर के तुम तो करबे तने से बस के विचार कर तब ठीक है। हां आरती कर तो शुक्रदेव की जय। Thank you.